दोस्तों, तो राम राम गाइज, आज फिर से आपका स्वागत करते हैं आज की एक और नई और वीडियो में। तो आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ने से पहले पीछे की जानकारी को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत ही काम की होती है। चलो, हमने जैसा कि कल प्रेडिक्शन किया, आपको पता ही होगा जिसने मेरी वीडियो देखा था, कल हमने पहले ही बता दिया था कि विराट कोहली का कल बिल्कुल पक्का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, और जिन पे मुझे डाउट था वो भी बताए थे। लेकिन कल मैंने विराट कोहली पर नहीं कहा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो इस ज्योतिष भविष्यवाणी पर, तो आप मेरे कल के सारे प्लेयरों का प्रेडिक्शन चेक कर सकते हो। मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो चलो, अब हम बात कर लेते हैं राशि और ग्रहों के अनुसार आज के मैच के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच। तो मेरे भाइयों, में बेशक थोड़े से आपको आज कम प्लेयर बताऊंगा, लेकिन उन्हीं प्लेयरों के बारे में बात करूंगा जो आज मुझे पक्का पता है आज राशियों के अनुसार अच्छा खेलेंगे। तो चलो, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स के बारे में, कि आज के दिन आपको बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा इनके बॉलर ट्रेंट बोल्ट का। आज के दिन इनका प्रदर्शन बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा अपनी टीम के लिए। ट्रेंट बोल्ट का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा इस मैच में। गाइस, चलो अब हम अगले खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। लेकिन गाइस, जिसमें मुझे थोड़ा डाउट है, मैं बता दूंगा, वो है युजवेंद्र चहल। लेकिन ट्रेंट बोल्ट आज पक्की विकेट निकालेंगे ऐसा लग रहा है। इनका लगभग बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करके देंगे अपनी टीम के लिए। आज के दिन महंगे तो बिल्कुल साबित नहीं होंगे ऐसा लग रहा है, और बहुत बढ़िया बॉलिंग करके देंगे। तो गाइस, आज हम इन्हीं के बारे में बस इतना ही पता लगा सके राजस्थान रॉयल्स के अच्छे खिलाड़ियों के बारे में। लेकिन आपको इनके जिन खिलाड़ियों का ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा वो जरूर बताएंगे। चलो, अब हम बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स के बारे में, कि आपको आज के दिन किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अच्छा प्रदर्शन आपको आज के दिन देखने को मिलेगा राहुल चहर का बॉलिंग में, राहुल चहर। और अगर आज के दिन बी राजपक्सा खेले तो इनका तो पक्का अच्छा रहेगा। राहुल चहर का थोड़ा सा बीच का रह सकता है, बीच से थोड़े से ज़्यादा का, लेकिन बी राजपक्सा का बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इसी के साथ साथ अगले खिलाड़ी हैं शिखर धवन और पी सिंह और शिखर धवन। इन दोनों खिलाड़ियों के, पी सिंह का तो ऐसा लग रहा है कि पक्का अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन शिखर धवन में थोड़ा सा डाउट है। लेकिन इनका लगभग बिल्कुल बेकार प्रदर्शन नहीं होगा शिखर धवन का, बहुत मध्य बीच का तो अवश्य होगा, और बीच से ज़्यादा का भी हो सकता है। शिखर धवन का भी लगभग अच्छा रहेगा आज के दिन इस मैच में। और अगले खिलाड़ी हैं शाहरुख खान का भी लगभग लग रहा है कि आज के दिन बीच का प्रदर्शन रहेगा। तो इसी के साथ साथ गाइस, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि आपको आज के दिन लगभग सैम करन का, लगभग नहीं पक्का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा सैम करन का। लगभग बीच का तो अवश्य रहेगा, लेकिन बीच से ज़्यादा का भी हो सकता है आज के दिन सैम करन का, जितना मुझे राशियों के अनुसार पता चला है। तो गाइज, आपको आज के दिन लगभग जोश बटलर का लगभग बीच से कम का प्रदर्शन आज के दिन दिखाई देगा। ये मैं नहीं कह रहा, ना कोई ग्राउंड कह रहा, ये राशि कह रही हैं, ये सारा प्रेडिक्शन ग्राउंड पर आधारित नहीं है। और आपको इसी के साथ साथ सिमरन हेटमायर का भी लगभग बीच से कम का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, और देवदत्त पाटेकल का भी, और रविचंद्र अश्विन का भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन रविचंद्र अश्विन में थोड़ा सा डाउट है इसीलिए गाइज। तो चलो, अब हम अगली टीम के बारे में बात कर लेते हैं, वो है पंजाब किंग्स की तरफ से। आपको आज के दिन लगभग जिनका ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिलेगा वो खिलाड़ी हैं। तो गाइज, मैं आपको बताना भूल गया कि आपको एक और खिलाड़ी पंजाब किंग्स की तरफ से अच्छा खेलते हुए नज़र आएंगे, वो हैं अर्शदीप सिंह। मैं इनका भूल गया, पता नहीं कैसे, लेकिन अभी याद आ गया है सही टाइम पे। और अर्शदीप सिंह का आज के दिन बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। ये मैंने इनकी राशि फिर से एक बार चेक की और देखा ध्यान से, पता नहीं इन पर कैसे मेरी नज़र चली गई, और इनके आंकड़े भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं अच्छे खेलने के आज के दिन। तो गाइज, वीडियो में कोई भी ऐसी जानकारी, और शाहरुख खान का भी आज के दिन अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है आपको आज के दिन। तो गाइज, इसी के साथ साथ इतना ही, और यह वीडियो किसी भी उस पर नहीं है, ग्राउंड से नहीं लिया गया है कोई भी डाटा, और ना ही लिया गया है पिच रिपोर्ट से, ये सारा का सारा ऐसे ही राशियों के अनुसार लिया गया है। इसीलिए अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो, तो मैं इससे पहले आपको बता दूं कि आप मेरी पिछली वीडियो को लिंक लगा दूंगा, उस वीडियो को जाकर देखें, जब भी आपको यकीन आएगा इस वीडियो से पहले आप उसे देख लेना। तो इसी के साथ साथ गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद।